तकरीबन 7 बज चुके हैं, मुझे अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है। तो मैं लगातार लिफ्ट ले रहा हूँ लेकिन कोई नहीं रोक रहा है, रियल में कोई नहीं रोक रहा है। ये हिचिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, कोई देता नहीं है ऐसे, और जो देता है वही देता है। अभी आप देख सकते हो मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, काफ़ी ट्रक निकल रहे हैं मेरे पीछे से, धक्का भी निकल रहे हैं, लेकिन नाला मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। अरे ले, मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है, मेरे को राजकोट जाना है और बहुत दिक्कत वाली बात है, रात होने वाली है, शाम होने वाली है, तो बहुत बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मेरे को राजकोट जाना है तो कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो जस्ट मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रुक जाए ले जाए। तो अभी आप देख सकते हो ये अंकल जी हैं, ये ट्रक वाले हैं, अभी इनके पास बैठते हैं। मेरे को राजकोट जाना है तो ये इन्होंने मेरे को बिठाया है, तो पता नहीं ये मेरे को कहाँ छोड़ेंगे, क्या रास्ता है वहाँ से। अंकल जी राजकोट कितनी दूर है? 125 किलोमीटर। आप कहाँ तक जा रहे हो? अच्छा, तो ये कुछ दूर के लिए मिले हैं, तब आगे पता नहीं कैसे जाएंगे, देखते हैं कैसे जाएंगे, कुछ पता नहीं है रियल में, जाना तो बहुत दूर है, पता नहीं है। हाँ, कुछ पता नहीं आगे कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ क्या करेंगे, जाना तो 450 किलोमीटर दूर है। अंकल सोमनाथ मंदिर, मैं अभी सायला हूँ और अभी जस्ट मैं उस ट्रक में बैठा था, उन ट्रक वाले ने मेरे को यहाँ पे छोड़ा। तो हिचिंग क्या मेन प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, मेन प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हिचिंग बहुत बड़ी दिक्कत है तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे तो आप मतलब सर्वाइव कर जाओगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे फिर भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अभी मेरे को उन्होंने छोड़ा सायला, तो अभी मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने पानी वानी पिया है, पानी वानी भरा है, कुछ लोगों से मिला हूँ और बताया राजकोट यहाँ से। अभी ये भाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई ये मेरे को मिले हैं, ये और ये अंकल जी अपने पीछे खड़े हैं। तो भाई ये अपना राजकोट कितनी दूर है? 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर यहाँ से राजकोट है। तो अभी अपने को तो बहुत दूर जाना है, 500 किलोमीटर दूर। अभी देखते हैं अपनी जो पूरी जर्नी है वो कैसे निकलती है। सामने वो देखो, सामने आप पीछे देखो मेरे, वो हाईवे है और वहाँ से मेरे को ट्रक बदलना है फिर, विदाउट मनी, समझ रहे हो ना, विदाउट मनी, हिचिंग ले लेके, लिफ्ट ले लेके फिर मुझे पहुँचना है राजकोट। रात में कितने बजेंगे कुछ पता नहीं है, यही है अपना सफ़र कट जाएगा चलते चलते। अभी रात के तकरीबन दो बज गए हैं मेरे को, मैं अहमदाबाद से हिचिंग ले लेके, अभी वो भैया पीछे खड़े हैं, वो भैया आप देखिए पीछे खड़े, उनकी गाड़ी में मैं हिचिंग ले लेके लगभग लिफ्ट ले लेके वो मुझे राजकोट से मिले थे, वो मुझे जूनागढ़ छोड़ देंगे और राजकोट तक मैं ट्रकों में हिचिंग ले लेके आया हूँ। यहाँ पे इनकी गाड़ी मिली मेरे को जो मेरे को जूनागढ़ छोड़ेगी, जूनागढ़ से फिर मेरे को रात में ही सोमनाथ के लिए बदलनी पड़ेगी ऐसी लिफ्ट लेके, तब मैं सोमनाथ पहुँचूँगा। तो अभी मैं जस्ट हूँ, अभी ढाबे पे हूँ, ये देखिए ढाबे का व्यू पीछे, काफ़ी मस्त है, काफ़ी मस्त है जगह। अगर जब भी आओ ना आप तो यहाँ ज़रूर रुको, थोड़ी देर यहाँ रुको, चाय पानी पियो, अपने आगे बढ़ जाओ। भैया मिले मेरे को, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भरत है। भरत, इनका नाम भरत है, आप यहीं रहते हो प्रॉपर, ये आपका है? हमारा है। अच्छा, तो यहाँ से अपना सोमनाथ कितना दूर होगा? सोमनाथ 150 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ से 150 किलोमीटर और जाना है मेरे को, और बस यही है, 150 किलोमीटर लिफ्ट ले लेके जाना है, पैसे तो है नहीं अपने पास। तो सुबह के तकरीबन 6:10 हो रहे हैं और मैं कल निकला था घर से 3 बजे के तकरीबन, और मैंने पूरी अपनी जर्नी, ये पूरी जर्नी यात्रा मैंने लिफ्ट ले लेके की है और फाइनली मैं आ गया हूँ। फाइनली मतलब कुछ दूर है, अभी 6-7 किलोमीटर है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊँ, ये अभी मैं पैदल चल रहा हूँ, ये पीछे मेरे हाईवे है, मुझे इस हाईवे पर जाना है और ये मेरे इस साइड भी हाईवे है, ये इस साइड भी हाईवे है, और मेरे को सीधा जाना है सोमनाथ मंदिर, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो मैं बस ऐसे ही लिफ्ट ले लेके आया था, मेरी पहली जर्नी थी लाइफ की, एडवेंचर जर्नी। अब पहुँचूँगा सोमनाथ मंदिर, तो वो अलग, जब आपको कुछ अचीव कर लेते हो ना, जब आप बेशक छोटी चीज़ हो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है,
आप सोचो ये क्या एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट लेके जाना, ये छोटी चीज़ है। नहीं, ये छोटी चीज़ नहीं, ये आप करके देखो तब समझ में आएगा ये क्या है और ये कैसे हो जाता है। मेरे को लिफ्ट मिल गई है सोमनाथ के लिए, मैं सोमनाथ जा रहा हूँ। देखोगे किसमें, इसमें सोमनाथ जा रहा हूँ, ये यहाँ का व्हीकल है और मजे आ रहे हैं। फाइनली पूरी रात का इंतज़ार करने के बाद और लगभग 450 किलोमीटर लिफ्ट ले लेकर ट्रैवलिंग करने के बाद आई एम रीच्ड सोमनाथ मंदिर। पीछे देखो ये गेट मंदिर को जाता है। ये जो चीज़ मेरे को फील हो रही है ना आज, कसम से ज़िंदगी में कभी फील नहीं हुई और कभी फील होगी भी नहीं। बस मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया, ऐसा लगता है कि मैंने पा लिया। अभी मैं आया हूँ, यहाँ रुकूँगा, यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा। मेरे को मंदिर के ऊपर वीडियो बनाना है, मैं उसका अलग ब्लॉग बनाऊँगा। हाँ मतलब देखो ये सन का ग्लो मेरे चेहरे पे, ये सन का ग्लो है सामने, जस्ट सामने सूरज है। आपको दिखाता हूँ, पीछे जस्ट सूरज उग रहा है, गजब का व्यू है। आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये जस्ट मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे पीछे इधर स्वामीनारायण टेम्पल और काफ़ी जगह अच्छी जगह है। तो जस्ट मैं पहुंच गया हूँ सोमनाथ, फाइनली रीच्ड आफ्टर सम वेट। और फाइनली मतलब हिचिंग लेके मैंने सोचा नहीं था, रियल बात बताऊँ, मैं जब घर से निकला था तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था रास्ते में हो सकता है मेरे को लौटना पड़े, लेकिन नहीं, भोले बाबा ने मेरे को बुला ही लिया। जस्ट पीछे ये सपना सोमनाथ का व्यू है। और बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, सोमनाथ मेरे साथ सोमनाथ पहुंच के कैसा लगा आपको। और आपकी कोई राय हो, मतलब आप कोई मेरे को सजेशन देना चाहते हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरे को लगभग नहीं पता यूट्यूब पर कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे डालते हैं, व्लॉग कैसे बनाते हैं ट्रेवलिंग के। तो अगर आप कोई सजेशन देना चाहो तो कमेंट में, प्लीज़ कमेंट में आके उस बात को लिख दें, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। आपके सजेशन मैं अपनी रियल लाइफ में उतारूंगा उन सजेशन को। और बस मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को ऐसे ही धर्म प्रचार करना है, अपने अच्छे अच्छे वीडियो बनाने हैं। बस ये देखिए मेरे पीछे ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं उतनी दूर से लगभग 450 किलोमीटर से ऐसे लिफ्ट ले के आया हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तभी आप लोग करोगे। अगर ऐसी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आध्यात्मिक ट्रेवलिंग के लिए, आप आध्यात्मिक मतलब धर्म से रिलेटेड ट्रेवलिंग के लिए आप अगर वीडियो देखना चाहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें।